नमस्कार। अनहद की पहल पर आयोजित इस लाइव में मैं डॉक्टर गंगा सहाय मीना आपका स्वागत करता हूं। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरे आवाज़ आ रही होगी साफ साफ। मित्रों, ये व्याख्यान अनहद के द्वारा जारी वर्चुअल सेमिनार सीरीज का एक हिस्सा है, जिसमें आज मुझे भारत की बहुभाषिता पर बात करनी है, जो हमारी मल्टीलिंगुअलिज्म है उस पर बात करनी है। भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत विविधता में एकता वाला देश है, तो भाषा के नज़रिए से इस सवाल को हम देखने की कोशिश करेंगे। आप सबका मैं स्वागत करता हूं और मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों को भी ले पाऊं। पहले कोई ख़ास सवाल किसी ने छोड़े नहीं है, लेकिन आप इस पर कमेंट बॉक्स में अपने सवाल छोड़ सकते हैं। आपके सवालों का स्वागत रहेगा। भारत में भाषाओं को लेकर हम तुलनात्मक रूप में कम संवेदनशील हैं। भाषा के सवाल पर मैंने बहुत बड़ी बहसें होती हुई नहीं देखी, जो कई बार चिंताजनक लगता है कि हम भाषा को लेकर इतने असंवेदनशील क्यों हैं। भाषा के सवाल को देखने की कुछ परिपाटियां हमने तय की हुई हैं। उन परिपाटियों में ही हम भाषा के सवाल को देखते हैं और जो एक पहले से चला आ रहा नज़रिया है, उसी नज़रिए के कहीं ना कहीं आसपास हम अपनी बात रख देते हैं। उस पर नए सिरे से विचार करना ज़रूरी नहीं समझते। जबकि भाषा का सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपको कहूं कि भाषा का सवाल हमारे पेट से जुड़ा हुआ है, हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है, तो आपको इस बात से सहमत होना चाहिए और मैं अपनी पूरी बातचीत में इसके पक्ष में तर्क रखूंगा। आप भाषा का सवाल पेट से कैसे जुड़ा हुआ है, इसको लेकर मैं अपनी बात की शुरुआत डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के इस वक्तव्य के साथ करना चाहूँगा। वे कहते हैं, भाषा से देश के सभी मसलों का संबंध है। किस जबान में सरकार का काम चलता है, इससे समाजवाद तो छोड़ ही दो, प्रजातंत्र भी छोड़ो, ईमानदारी और बेईमानी का सवाल भी जुड़ा हुआ है। यदि सरकार और सार्वजनिक काम ऐसी भाषा में चलाए जाएं जिसे देश के करोड़ों आदमी ना समझ सकें, तो होगा केवल एक प्रकार का जादू टोना। जिस जबान को करोड़ों लोग नहीं समझ पाते, उसके बारे में यही समझते हैं कि यह कोई गुप्त विद्या है जिसे थोड़े लोग जान सकते हैं। ऐसी भाषा में जितना चाहे झूठ बोलिए, धोखा कीजिए, सब चलता रहेगा, क्योंकि लोग समझेंगे नहीं। आज आप देखिए कि जो राम मनोहर लोहिया की बात विभिन्न सत्ताओं द्वारा अपनाई गई भाषा के संदर्भ में सच हुई है, इतिहास में बार बार सच हुई है, हम उसको विभिन्न प्रसंगों के माध्यम से समझ सकते हैं। लेकिन भाषा को लेकर हमारी असंवेदनशीलता का मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूं, एक दो उदाहरण। भाषा की जब बात होती है, जैसे हम कक्षा में पढ़ाने जाते हैं, अक्सर विद्यार्थियों से बात करते हैं, शोधार्थियों से बात करते हैं। आप सोचिए, विद्यार्थी और शोधार्थी कोई देश के आम नागरिक नहीं हैं, सुशिक्षित हैं, अच्छे विश्वविद्यालय तक पहुँचे हैं, तो कुछ ना कुछ देश और समाज के बारे में जानते होंगे। उनसे जब पूछते हैं कि देश में कितनी भाषाएं हैं, तो ज़्यादातर लोग भाषाओं के बारे में, भाषाओं की संख्या के बारे में, यहाँ तक कि भाषा परिवारों की संख्या के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं बता पाते। यहाँ वो मानते हैं कि 10-20 भाषाएं होंगी, 50 भाषाएं होंगी, ऐसा मानते हैं। जब भाषा परिवारों की बात आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग 2 या 3 परिवारों के नाम बता पाते हैं और कुछ लोग 4 परिवारों के नाम बताते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं
कि भारोपीय परिवार कोई है, क्योंकि उन्होंने हिंदी की किताबों में पढ़ा है, उस भारोपीय परिवार की बड़ी चर्चा होती है, तो उस भारोपीय परिवार की चर्चा करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा द्रविड़ परिवार की चर्चा करते हैं। इसी देश में ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार हैं जिसकी सैकड़ों भाषाएँ हैं, इसी देश में तिब्बती चीनी भाषा परिवार है, और इसी देश में सबसे ताज़ा खोजा गया अंडमानी भाषा परिवार है। अगर आप भाषाओं में दिलचस्पी रखते हैं तो आप निश्चित तौर पर प्रोफेसर अन्विता अब्बी का नाम जानते होंगे, जिन्हें अपने इसी काम के लिए, भाषा संबंधी काम के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उन्होंने अंडमानी भाषाओं पर काम किया और भारत के पाँचवें भाषा परिवार का दावा प्रस्तुत किया कि अंडमान निकोबार की भाषाएं ये देश के किसी और भाषा परिवार में नहीं आती, ये एकदम स्वतंत्र भाषाएं हैं। जिन भी पैमानों के आधार पर आप देखें, चाहे उनके मौलिक ध्वनि चिन्हों के आधार पर देखें, मौलिक शब्द समूह के आधार पर देखें, या मौलिक व्याकरण के आधार पर देखें, सभी आधारों पर अंडमान निकोबार की भाषाएँ शेष भाषाओं से अलग हैं। अब इस बात को भारत के पाठ्यक्रमों में अभी तक शामिल होना बाकी है, विश्वविद्यालयों की किताबों में पहुंचना बाकी है। ज़्यादातर लोग 3-4 भाषा परिवारों का नाम जानते हैं, उसमें सिर्फ रटने के लिए भाषा परिवार क्या है, कितनी भाषाएं, उनको कौन बोलते हैं, इससे ज़्यादातर लोगों का कोई सरोकार नहीं है। भाषा के सवाल को देखने के कुछ 3-4 प्रचलित नज़रिए हैं, जो कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर या सामुदायिक स्थिति के आधार पर तय होते हैं। जैसे भाषा को देखने का सबसे पॉपुलर नज़रिया है, जो एक नॉर्थ इंडियंस का, उत्तर भारतीयों का है, जो हिंदी प्रेमी खुद को मानते हैं, उत्तर भारतीय हिंदी प्रेमियों का एक नज़रिया है भाषा के सवाल को देखने का, जिसमें वो ये मानते हैं कि हिंदी संस्कृत से पैदा हुई है और दुनिया की सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है, दूसरे तीसरे नंबर पर है, और हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, ऐसा ज़्यादातर लोग मानते हैं, जबकि तथ्यात्मक रूप से बात सही नहीं है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा संबंधी कोई प्रावधान नहीं है। दूसरा जो नज़रिया है हिंदी के बारे में, या भाषाओं के बारे में, हिंदी छोड़ दीजिए अभी, भाषाओं के बारे में, वो मुख्य तौर पर दक्षिण भारतीयों का है, उसमें भी तमिलियंस का नज़रिया, तमिल भाषियों का नज़रिया है, जो ये मानते हैं कि ये उत्तर भारतीय भाषाएं हैं या हिंदी है, ये हमारी भाषा को दबाती है, इसलिए हमें हिंदी का साथ ना दे करके अंग्रेजी का साथ देना चाहिए, और हिंदी एक वर्चस्व की भाषा है, हिंदी चौवेनिज्म बोलते हैं इसको, इस पर उन्होंने अंग्रेजी में बहुत आर्टिकल लिखे हुए हैं, और कोई हिंदी बोलता हुआ दिखाई दे, हिंदी वाला, जैसे सब्जी वाला टर्म है, ऐसे हिंदी वाला टर्म अंग्रेजी में भी चलता है, साउथ इंडिया में खूब चलता है। भाषाओं के साथ उनका एक अलग तरह का रिश्ता है, वो अपनी मातृभाषा को सभी लोग जानते हैं, मातृभाषा को बचाना भी चाहते हैं, लेकिन वो साथ में मातृभाषा के बाद में दूसरी भाषा के तौर पर अंग्रेजी को अपनाना पसंद करते हैं, ना कि हिंदी को, और वो भाषा को लेकर के उनका एक उसका विरोध का इतिहास है। जब हिंदी को राजभाषा बनाया गया तो उस वक्त 1950 से ही 1963 के बीच में दक्षिण भारत में हिंदी विरोधी आंदोलनों का पूरा एक दौर है, उसमें कई लोग मारे भी गए, बड़े बड़े जुलूस निकलते थे, जो लोग मारे गए, जिन्होंने आत्मदाह कर लिया, उनको शहीद का दर्जा प्राप्त है। तो एक नज़रिया उन तमिल भाषियों का और दक्षिण भारतीयों का है भाषाओं को लेकर के। पूर्वोत्तर के लोग हैं जिनकी अपनी छोटी छोटी बहुत सारे जो उनके समुदाय हैं, कबीले हैं, उसी तरह से छोटी छोटी भाषाएं हैं, उनको ना हिंदी से कोई खास ऐतराज़ है, ना अंग्रेजी से कोई ऐतराज़ है। एक नज़रिया आदिवासी भारत का है, जो आदिवासी लोग हैं उनका भाषाओं को लेकर के नज़रिया है, जो भाषाओं को बचाना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर भाषाओं के संरक्षण के लिए खड़े होते हैं, और उसके लिए लगातार आंदोलन करते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर मुहिम चलाते हैं, सामुदायिक स्तर पर भाषाओं के संरक्षण के लिए कोशिश करते हैं, उसके साहित्य को संग्रहित करना चाहते हैं, उसको बोलचाल में लाना चाहते हैं, और बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने की वकालत करते हैं।
अभी हाल ही में एक प्रसंग इससे जुड़ा हुआ है, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ सरकार ने कहा कि जो वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा है वो हिंदी के साथ साथ मातृभाषाओं में भी दी जाएगी, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तकें भी द्विभाषी तैयार होंगी। इसको लेकर कुछ लोगों ने समर्थन किया, कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन एक संदर्भ है जो इससे जुड़ता है। भाषा को लेकर एक दलित दृष्टि भी है जिसका नेतृत्व चंद्रभान प्रसाद करते हैं, जो ये मानते हैं कि ये भारत की भाषाएं, जिनको जो हमारी मातृभाषाएं हैं, चूँकि इनके साथ में एक शोषण का इतिहास जुड़ा हुआ है, इसलिए इन भाषाओं को छोड़ना बेहतर है, इन भाषाओं में नौकरियां भी नहीं हैं और ये भाषाएं कोई मुक्ति का माध्यम नहीं हो सकती, इसलिए हमें अंग्रेजी की तरफ बढ़ना चाहिए, अंग्रेजी को एक मुक्ति की भाषा के तौर पर देखते हैं। और आप अगर अखबारों को फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि करीब 15 साल पहले उन्होंने एक मुहिम चलाई थी लखीमपुर खीरी में, अंग्रेजी देवी का बाकायदा मंदिर बनाया और कहा कि दलितों को अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। और निश्चित तौर पर इसकी परंपरा सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वहाँ तक जाती है, जो अंग्रेजी के समर्थक थे और अंग्रेजी को एक मुक्ति की भाषा के तौर पर देखते हैं, क्योंकि देखिए अंग्रेजी सीखने से रोजगार मिलता है और आप पारंपरिक पेशों से मुक्त होते हो। तो एक संदर्भ में अंग्रेजी की एक भूमिका है, उसको लेकर के एक दलित नज़रिया है, जो कि भाषा को लेकर मोटा मोटी दलितों का यही विचार है, दलित चिंतकों का। बहुत सारे लोग भाषा को बहुत ज़रूरी मसला नहीं मानते, इसलिए उस पर स्वतंत्र लिखने की ज़रूरत भी नहीं समझते। भाषा को लेकर एक सरकारी नज़रिया है और एक निजी नज़रिया भी, निजी क्षेत्र का नज़रिया है। सरकारी नज़रिया है कि जो भाषा है हमारी, वो सरकारों के हिसाब से वो नज़रिए में थोड़ा बहुत बदलाव भी होता है, वो भाषा को एक टूल मानते हैं, उसको कोई प्राथमिक चीज़ नहीं मानते। और सरकार में राजभाषा हिंदी के होते हुए सारी की सारी चीज़ें, जो ड्राफ्टिंग और नोटिंग है, जो एक्ट बनते हैं, वो सारे के सारे अंग्रेजी में बनते हैं, क्योंकि जो सत्ता का हस्तांतरण हुआ 1947 में वो अंग्रेजों से हुआ। जैसे पहले फारसी को धीरे धीरे करके तमाम सरकारी क्षेत्रों से हटाया गया, अदालतों से, अभी तक भी फारसी नहीं हट पाई है, उसका पूरा प्रभाव अदालती कार्रवाई में, तमाम कोर्ट कचहरी में आप देख सकते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी का एक प्रभाव पूरे सत्ता तंत्र में है। जितने ज़्यादा ऊपर लेवल पर आप जाएंगे सरकार के क्षेत्र में, तो अंग्रेजी का प्रभाव उतना ज़्यादा मिलेगा। निजी क्षेत्र तो खुल्लम खुल्ला अंग्रेजी की वकालत करता है। हाँ, सरकारी क्षेत्र की एक विशेषता और है कि वहाँ पर हिंदी के लिए अलग से फंड है राजभाषा की वजह से, और हिंदी का संस्कृत से एक संबंध बताने वालों की एक पूरी परंपरा है, इस वजह से वो हिंदी की वकालत करते हैं। लेकिन ये वकालत उसी प्रकार की है जो एक दिखावा मात्र है। UN में हिंदी को भाषा चाहते हैं, लेकिन अपने सारे कामकाज अंग्रेजी में करते हैं। तो जब तक आप अपने देश में, अपने ऑफिसेज में हिंदी का प्रयोग या भारतीय भाषाओं का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक UN में या दूसरी जगह पर उसकी कल्पना करना बेकार है। निजी क्षेत्र का नज़रिया एकदम स्पष्ट है भाषाओं को लेकर के, वो पूरी तरह से अंग्रेजी के समर्थक हैं, अंग्रेजी में निश्चित तौर पर रोज़गार दिए जाते हैं, रोज़गार की भाषा अंग्रेजी को माना जाता है, और वो उनका एक ग्लोबल भी एक होड़ होता है, दूसरे देशों में भेजते हैं लोगों को, दूसरे देशों से बुलाते हैं, वहाँ पर तकनीक आती है, तमाम चीज़ें अंग्रेजी के माध्यम से ज़्यादा सहूलियत भरी होती है, इसलिए वो लोग अंग्रेजी के समर्थक हैं। मूल रूप से भाषा को लेकर तीन नज़रिए हमारे यहाँ पर मिलते हैं। एक, ऐसे लोग हैं जो मातृभाषाओं के समर्थक हैं, दूसरे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्रभाषा के समर्थक हैं, और तीसरे ऐसे लोग हैं जो अंग्रेजी के समर्थक हैं। जब राष्ट्रभाषा में पद का प्रयोग कर रहा हूँ तो मैं स्पष्ट हूँ इस बात को लेकर के कि भारत में राष्ट्रभाषा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है संविधान में, लेकिन जैसा कि आप किसी भी आम भारतीय नागरिक से बात करेंगे, उत्तर भारतीय से खास तौर पर, वो आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा बताएगा। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, वो इसी रूप में हिंदी से प्यार करते हैं, और जो दूसरे प्रदेशों के भी लोग हैं जो हिंदी बेल्ट के नहीं हैं, वो भी हिंदी को राष्ट्रभाषा समझते हैं, राजभाषा और राष्ट्रभाषा के फ़र्क को नहीं समझते, और हिंदी को, हिंदी के साथ उनका जो विरोध का या दोस्ती का जो भी रिश्ता है, स्वीकार का या नकार का, वो इसी वजह से कि वो हिंदी को जाने अनजाने राष्ट्रभाषा समझते हैं। तो अब भाषा के सवाल पर ये तो हुए जो अब तक उपलब्ध नज़रिए हैं,
हम में से हर कोई इनमें से किसी न किसी एक नज़रिए से ग्रस्त होकर के भाषा के सवाल को देखता है। खासकर भारत की बहुभाषिता के बारे में जब बात होती है, जब हम बहुभाषिता की बात करते हैं या बहुसांस्कृतिकता की बात करते हैं, तो हम उत्साह में कह तो देते हैं या अपने उत्तर में नंबर अच्छे पाने के लिए लिख तो देते हैं कि भारत की विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। विविधता में एकता की बात हम लगातार दोहराते हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम अपने जीवन में उसका व्यवहार करते हैं, अपने आचरण में उसका व्यवहार करते हैं या नहीं? भाषाओं के संदर्भ में आप देखिए, वो दूसरे क्षेत्रों में भी आप देखें तो विविधताएं भारत में हैं और विविधताओं को हम सब जानते हैं, लेकिन विविधताओं को कभी हमने सेलिब्रेट नहीं किया। जबकि भारत की ये एक अनोखी विशेषता है कि यहाँ पर इतनी भाषाएं और इतनी संस्कृतियों के लोग रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो राष्ट्र राज्य का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली एक भाषा और एक संस्कृति का समर्थक है, लेकिन भारत अनोखा राष्ट्र इसलिए है, राष्ट्रों का राष्ट्र एक तरह से है, कि यहाँ पर इतनी सारी भाषाएं आज भी विद्यमान हैं, इतनी संस्कृतियाँ विद्यमान हैं। जब भारतीय संस्कृति कहते हैं तो भारतीय संस्कृति एक गोलमोल शब्द है। भारतीय संस्कृति कहते वक्त कुछ लोग ये कहना चाहते हैं कि वो किसी हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं या किसी खास संस्कृति की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय संस्कृति जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी अंतर्भूत संस्कृतियाँ हैं। भारत में कम से कम 500 संस्कृतियाँ हैं जो अलग अलग समुदाय अपने साथ में जिनको आगे बढ़ाते हैं, जिनका आचरण करते हैं। तो भारत में भाषाओं की बात करें तो भारत में इस वक्त देखिए जो निश्चित तो एक निश्चित संख्या बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस वक्त कम से कम 800 जीवित भाषाएं। निश्चित संख्या बताना इसलिए मुश्किल है कि आप में से मैं कहूं कि मेरी मातृभाषा माड़ी भाषा है या मीणी भाषा है। माड़ हमारे इलाके का नाम है, मीणा हमारे समुदाय का नाम है। तो अब मैं मीणी कहूँ तो आप उसको भाषा नहीं मानेंगे, मैं माड़ी कहूँ माड़ इलाके की भाषा तो उसको भाषा नहीं मानेंगे, चलिए मैं और बड़ा करके कहूँ कि मेरी भाषा ढूंढाड़ी है या मेरी भाषा हाड़ौती है, उसको भी आप भाषा नहीं मानेंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि ये तो सब हिंदी की बोलियाँ हैं, या आप ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थानी को भाषा मानेंगे और इन सबको राजस्थानी की बोलियाँ बताएंगे। जबकि भाषा विज्ञान के नियमों के आधार पर देखें तो ये सारी भाषाएँ हैं। भाषा के सवाल को अध्ययन करने के लिए कुछ मैं आपको स्रोत बता देता हूँ कि भारत की भाषाओं के बारे में अध्ययन किन स्रोतों के आधार पर किया जा सकता है। भारत की भाषाओं को लेकर के सबसे पहला और ऑथेंटिक सबसे बड़ा जो अध्ययन है या संकलन है वो है ग्रियर्सन का भारत का भाषा सर्वेक्षण, जो 20-30 साल में उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और 20वीं सदी के पूर्वार्ध में किया। बहुत लंबा और मेहनत भरा काम, और इतना बड़ा काम आज तक कोई दूसरा नहीं कर पाया है। वो शायद 22 वॉल्यूम में है अगर मुझे ठीक से याद है, भारत का भाषा सर्वेक्षण, वो आपको देखना चाहिए अगर आपकी भाषाओं में दिलचस्पी है। भाषाओं को समझने का या उसका अध्ययन करने का दूसरा जो एक स्रोत हो सकता है वो है हाल ही में इन दिनों जो एक सीरीज चल रही है पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे, ओरिएंटल ब्लैक स्वान ने पब्लिश किए हैं उसके कुछ हिस्से। भाषा ट्रस्ट है गुजरात के अहमदाबाद में, वहाँ से वहाँ पर भाषा को लेकर के बड़े दिलचस्प अध्ययन हो रहे हैं, और उन्होंने करीब 15 साल पहले अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 5 दशकों में भारत की करीब 250 भाषाएं मर गई हैं। उसमें उसको लेकर के कुछ लोगों ने दिलचस्पी ली कि अरे कैसे भाषाएँ मर गई, कहाँ चली गई भाषाएँ। खैर वो बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे, लेकिन उन्होंने भाषाओं को लेकर एक व्यवस्थित अध्ययन करना शुरू किया और ओरिएंटल ब्लैक स्वान से वो सब कुछ छपने लगा। वो अंग्रेजी और हिंदी में भाषाओं के संकलन तैयार किए गए और राज्यों के आधार पर तैयार किए गए। आप जानते हैं कि जो राज्यों का बंटवारा है वो मुख्य तौर पर भाषाई आधार पर किया गया, तो उसमें राजस्थान की भाषाएं, उत्तर प्रदेश की भाषाएं, उत्तराखंड की भाषाएं, बिहार की भाषाएं, झारखंड की भाषाएं, इस तरह से अंग्रेजी में और हिंदी में उनके वॉल्यूम्स तैयार किए गए हैं, जो आपको ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं और
आपको बुक फेयर वगैरह में तो मिल ही जाएंगे, वो भाषा को लेकर के बहुत ही दिलचस्प है। जैसे मैंने अपने इलाके की भाषा के बारे में उसमें पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। मैं हमेशा सोचता था कि अपनी अपनी भाषा को क्या नाम दूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाषा का कोई ऐसा नाम नहीं है। आप कह सकते हैं कि भाई हमारा इलाका मार का है या जगरोटी का है, उसके बीच में है, तो जगरोटी और मार तो इलाकों के नाम है, लेकिन ये भाषा का नाम हो सकता है। तो भाषा विज्ञानी इस तरह से नामकरण करते हैं। इसमें बाकायदा इसके जो विशिष्ट शब्द है उनकी सूची दी हुई है, इसके लोकगीत है हर भाषा के, जिन भाषाओं का संकलन किया गया है पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत का लोक भाषा सर्वेक्षण। तो उसमें हर राज्य की जो भाषाएं हैं उनके भाषाओं के ना केवल नाम, उनका क्षेत्र कौन सा है, उसकी विशेषताएं क्या है, व्याकरणिक विशेषताएं क्या है, उनके विशिष्ट शब्द कौन से हैं, उसमें कौन सी कथाएं या गीत प्रचलित हैं, उन सब के भी उदाहरण के साथ में वहां पर प्रस्तुत किया गया है। एक और इसका स्रोत हो सकता है भाषाओं के अध्ययन का, जो लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन किए हैं उनसे भी आपको मदद मिल सकती है। बहुत सारे जो लिंग्विस्टिक्स के विद्यार्थी हैं, भाषा विज्ञान के विद्यार्थी हैं, वो किसी एक भाषा को लेकर के या एक उपभाषा को लेकर के काम करते हैं, उसकी विशेषताएं बताते हैं और उन विशेषताओं के आधार पर उसका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं। तो वो एक एक भाषा के बारे में, जब आप माइक्रो लेवल पर जाएंगे, आप सूक्ष्म स्तर पर जाएंगे, एक एक भाषा के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसमें इस तरह के अध्ययन आपकी मदद करेंगे। अब हम बात करते हैं, अब तक हमने जाना कि कौन कौन से नज़रिए उपलब्ध हैं भाषा को देखने के, फिर हमने बात की कि भाषा के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत में भाषाओं की वर्तमान में स्थिति क्या है, क्योंकि दो तीन तरह की बातें सुनाई पड़ती हैं अक्सर। चूंकि हमारा संबंध हिंदी बेल्ट से है तो हिंदी क्षेत्र में एक नारा बार बार आपको सुनाई पड़ेगा, हिंदी बहुत खतरे में है, हिंदी को बचाने की ज़रूरत है, अंग्रेजी हिंदी को खा जाएगी या खा गई है। ये बात बार बार हिंदी दिवस पर या विश्व हिंदी दिवस पर सुनाई पड़ती है। और अब तो एक नया जो दिवस शुरू हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, बड़ी अजीब बात है कि ये चूँकि हिंदी दिवस पहले से मौजूद है, एक विश्व हिंदी दिवस भी शुरू कर दिया 10 जनवरी को, लेकिन जो फरवरी का 21 फरवरी को जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, उसको भी राजभाषा विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया और तमाम जगहों पर राजभाषा विभाग ही उस पर प्रोग्राम करता है और हिंदी के लिए प्रोग्राम करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है तो मातृभाषा दिवस में मातृभाषा के बारे में बात करनी चाहिए, उसके संरक्षण के लिए काम किया जाना चाहिए। जो देश की मैं कह रहा हूँ 800 से अधिक भाषाएँ हैं उनके बारे में बात होनी चाहिए, लेकिन होता क्या है सिर्फ हिंदी के बारे में बात शुरू हो गई। ये बहुत नया है लेकिन बड़ी अजीब स्थिति है, और इसमें हम आँख मूंद करके जो हमारे निष्कर्ष हैं उन निष्कर्षों के आधार पर हम पहले से इन निष्कर्षों के आधार पर हम पहले से ही कोई राय बना लेते हैं और उसी राय को हम अपनी बातचीत के माध्यम से प्रमाणित करना चाहते हैं। जुबेर भाई माफ़ी चाहूँगा, आपने कहा कि हम रोजेदार भी आपको पानी पीते देख रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, लेकिन तो हम बात कर रहे हैं भाषाओं की। तो ये एक स्टीरियोटाइप है, एक सोच है, इसमें कितनी सच्चाई है कि हिंदी बहुत खतरे में है और अंग्रेजी हिंदी को खा जाएगी। देखिए इसका अध्ययन करने के मैंने कहा कि जो आपको ये सूत्र दिए, जो आपको स्रोत दिए, उन स्रोतों के आधार पर देखें कि हिंदी खतरे में है या नहीं। एक और स्रोत इसमें जोड़ लीजिए, जो मैंने आपको पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे और उसके अध्ययन बताए, एक इसमें स्रोत जोड़ लीजिए भारत का जो जनगणना संबंधी आंकड़े हैं, भारत के सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आपको स्वतंत्र रूप में लिंग्विस्टिक डेटा भी मिलेगा, भाषा संबंधी डेटा भी मिलेगा। तो उस भाषा संबंधी डेटा का आप अध्ययन करिए और साथ में आप पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे का अध्ययन करिए, लोगों ने जो व्यक्तिगत तौर पर अध्ययन किए हैं उनको देखिए, और एक चीज़ और जोड़ लीजिए जो यूनेस्को का इंटरेक्टिव एटलस है जो खतरे वाली भाषाओं का पर चर्चा करता है, जिस पर थोड़ी देर में हम विस्तार से बात करेंगे। तो
इन सभी स्रोतों को देख करके और दैनंदिन जीवन में भी आप देखें तो आप पाएंगे कि ये बात बहुत दूर तक सच नहीं है कि हिंदी खतरे में है। हिंदी को खतरे में बताने का जो बार बार बात की जाती है, मेरे ख्याल से इस बात से हमको निकलना चाहिए और एक तथ्यों के आधार पर, तर्कों के आधार पर पूर्वाग्रह मुक्त होकर के बात करने चाहिए। जैसे मैं कहूँ आपको कि भारत के संविधान की जो शेड्यूल लैंग्वेजेज है, 8th शेड्यूल में शामिल 22 भाषाएं हैं, उन सब में हिंदी सबसे तेज बढ़ने वाली भाषा है, बहुत तेजी से। जैसे बाकी भाषाओं की वृद्धि दर है उससे लगभग 1.5 गुनी। आप किस भाषा की तुलना में हिंदी कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, पूरा एग्जैक्ट डाटा आपको सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट में मिल जाएगा। हालांकि उसके बारे में मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, क्योंकि वो जनगणना का काम अध्यापक करते हैं, इसलिए उसमें आपको कुछ एक्यूरेट डाटा उसको हम नहीं कह सकते, लेकिन एक मोटा मोटी आइडिया उससे लगता है आपको कि हिंदी की वृद्धि दर 1961 से लेकर के 2011 तक की सभी जनगणनाओं के आंकड़े, भाषा संबंधी आंकड़े भी सेंसस ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं, जो ये कहते हैं कि हिंदी भारत की सबसे तेज़ बढ़ती हुई भाषा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। उसको कोई खतरा उन आंकड़ों के आधार पर दिखाई नहीं पड़ता। फिर आप देखें कि जो हमारा बाज़ार है और इंटरटेनमेंट मीडिया है, मनोरंजन मीडिया, उन दोनों जगहों पर भी आप देखें तो हिंदी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। बाज़ार में हिंदी की मांग बिल्कुल घटने का नाम नहीं ले रही, जबकि मुझे ये आशंका थी आज से 20 साल पहले को अगर मैं याद करूं कि हिंदी घटेगी और अंग्रेजी अपना पूरा वर्चस्व कायम कर लेगी, ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है। आप बड़े बड़े अंग्रेजी चैनलों में देखें, अंग्रेजी अखबारों में देखें, वहाँ पर भी आपको हिंदी में विज्ञापन मिलेंगे। हिंदी में जब तक उपभोक्ता है, ग्राहक है, हिंदी को मेरे ख्याल से अभी कोई खतरा नहीं है। और अब लोग अपनी भाषा को लेकर इतने तो जागरूक हो गए हैं कि वो अपनी भाषा का व्यवहार करते हैं, बच्चे भी सीखते हैं। आप हिंदी की सबसे बड़ी ताकत आम लोग हैं जो हिंदी का व्यवहार करते हैं, इसलिए हिंदी को खतरे वाली बात में अभी कोई बहुत दम दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, सत्ता प्रतिष्ठान में और डिसीजन मेकिंग में, वहाँ पर निर्णय जहाँ पर लिए जाते हैं वहाँ पर हिंदी ज़्यादा नहीं है। आप देखेंगे आप कि कोई टीवी चैनल में आप देख रहे हैं कि हिंदी फिल्मों के नायक नायिकाएं, हीरो हीरोइन, वो पूरे जीवन हिंदी की फिल्में बनाते हैं, लेकिन जब वो इंटरव्यू देते हैं किसी को तो अंग्रेजी में इंटरव्यू देने लगते हैं। जब सरकार के तमाम एक्ट वगैरह ड्राफ्ट होते हैं, सारे नियम कायदे, मैंने कहा कि जो नोटिंग ड्राफ्टिंग होती है सब अंग्रेजी में होती है, यानी सत्ता प्रतिष्ठान की भाषा। न्यायालय को भी इसमें जोड़ लीजिए, जो हायर जुडिशरी है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, वहाँ की भाषा भी अंग्रेजी है। यानी सत्ता के केंद्र जहाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर अंग्रेजी काबिज है, डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने वाली जगह में अंग्रेजी है, ये बात चिंता करने वाली है। लेकिन आम लोगों के बीच में हिंदी पर्याप्त लोकप्रिय है और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। यानी हिंदी, आप दूसरी शेड्यूल लैंग्वेजेस को देखें, उनकी वृद्धि दर हिंदी की तुलना में काफ़ी कम है। इसी प्रकार से आप देखें कि जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेज है, यानी जो 8वीं अनुसूची में अधिसूचित नहीं है, जो लिस्टेड नहीं है और संघर्ष कर रही हैं कुछ भाषाएं, कुछ भाषाओं का वजूद भी धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, उनको भी आप देखें तो वो सब की वृद्धि दर बहुत कम है और कई भाषाओं की वृद्धि दर तो नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से भाषा के सवाल को समझने का सही दृष्टिकोण ये होगा कि हम किसी एक भाषा, खासतौर पे एक मजबूत भाषा के लिए संघर्ष करने के बजाय सभी भाषाओं की वकालत करें, उनके साथ खड़े हों। भाषा का सवाल क्यों महत्वपूर्ण है और भारत की बहुभाषिता को बचाना क्यों महत्वपूर्ण है, ये बहुत ज़रूरी मसला है जिस पे हमको बात करनी चाहिए, जिसको हमको समझना चाहिए। देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कि आपके पास में ये कोई एक खाना मैंने आपको दे दिया, आपकी पसंदीदा चीज़, आपको मान लीजिए आपको गुलाब जामुन पसंद है और मैं कहूँ आपको कि ये लो गुलाब जामुन, जितनी चाहे उतनी खाओ, कितने दिन तक आप गुलाब जामुन खाओगे? आपको कोई रंग पसंद है, मान लीजिए किसी को ब्लू पसंद है, किसी को पिंक पसंद है, किसी को रेड पसंद है, आपको वो रंग दे दिया जाए, उसी से सारे कपड़े, घर, पूरी दुनिया उसी में रंगी हो, कितने दिन तक उस रंग को आप देखेंगे?
तो हमेशा किसी भी समाज की बेहतरी के लिए, उन्नति के लिए, उसका विविध रंगी होना, उसकी उत्सव धर्मिता के लिए, उसके उसमें उत्साह के लिए उसका विविध रंगी होना, इंद्रधनुषी होना एक बहुत अच्छी बात है जो कि भारत के समाज में हमको परंपरा से मिली है। साथ में हर भाषा में एक अपनी उसकी स्वतंत्र ज्ञान परंपरा है, उस ज्ञान परंपरा को संग्रहित करने का, उसको आगे ले जाने का काम उसी भाषा में संभव है। अगर कोई भाषा खतरे में आएगी तो उस भाषा में उपलब्ध ज्ञान और उसकी पूरी परंपरा, जो कि आप अगर अध्ययन करें तो पाएंगे कि बहुत सारी भाषाओं में इतना ज्ञान भरा हुआ है जो हम तथाकथित ज्ञान की भाषा अंग्रेजी कहते हैं उसमें नहीं है, जो हम अगर हिंदी को भी ज्ञान की भाषा कहते हैं उसमें नहीं है, अगर हम बंगाली को ही ज्ञान की भाषा कहते हैं उसमें नहीं है। हमारी मातृभाषाओं में इतना विविध रंगी ज्ञान और जीवन के इतने रंग है, इतने उत्सव और हर्षोल्लास है जो हमारे जीवन को सजीवता प्रदान करते हैं। इस जीवन को सजीवता प्रदान करने के लिए, उन ज्ञान की विभिन्न परंपराओं से जुड़े रहने के लिए, उनको जानने के लिए भाषाओं को बचाना जरूरी है। हर भाषा के साथ में उससे जुड़ी हुई स्मृतियां होती हैं। आप याद करिए, जैसे हमारे पुरखे होते हैं, माँ हैं, मान लीजिए मेरी माँ हैं, मेरी माँ नहीं रही तो माँ के साथ में माँ से जुड़ी हुई सारी स्मृतियां जो माँ के पास थी, जो माँ मुझे सुना सकती थी या और भविष्य में सुनाती, वो सारी स्मृतियां चली गई उनके जीवन के बारे में। मैं जानना चाहता हूं कि मैं बचपन में, चूंकि अब मेरे पास छोटे बच्चे हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इस उम्र में मैं क्या करता था, मेरी क्या एक्टिविटी थी, मेरे पास जानने का कोई स्रोत नहीं है क्योंकि मेरे माँ बाप गुजर चुके हैं। जैसे माँ है वैसे ही मातृभाषा होती है, उस मातृभाषा में ऐसी हजारों लाखों स्मृतियाँ हैं, ऐसा पूरा ज्ञान का एक संसार है जो उस भाषा के मरने के साथ में ही खत्म हो जाता है। इसलिए भाषाओं को बचाना जरूरी है, उनके प्रति संवेदनशील होना जरूरी है। आज जब हम भाषाओं की बात कर रहे हैं तो हमें भाषाओं पर पड़ने वाले होने वाले खतरे का भी हमको भान होना चाहिए कि भाषाओं के ऊपर खतरा कौन सा है, कैसे खतरे हैं। जैसे मैंने आपको भाषा ट्रस्ट के एक अध्ययन के बारे में बताया, उसने करीब 15 साल पहले अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें कहा कि भारत की 5 दशकों में लगभग 250 भाषाएं मर गई हैं। तो कुछ लोगों ने उस पर विचार किया फिर भूल भाल गए। भाषाओं के खतरे की बात को समझना हो आपको तो यूनेस्को की वेबसाइट पर जाइए, गूगल में टाइप करिए यूनेस्कोस इंटरेक्टिव एटलस ऑन इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस। खतरे वाली भाषाओं का एक मानचित्र तैयार किया है यूनेस्को ने, इंटरेक्टिव है यानी कोई जड़ मानचित्र नहीं है, उसके आप संवाद कर सकते हैं। अगर आप भाषा विज्ञानी हैं, किसी भाषा के जो खतरे में थी उसको खतरे में है या नहीं, अगर उसकी स्थिति में बदलाव आया है तो आप उससे संबंधित डेटा भेज सकते हैं, उसमें वो बदलाव करते हैं और लगातार भाषाओं की स्थिति परिवर्तित होती रहती है, अपडेट होती रहती है। उस यूनेस्को के इंटरेक्टिव एटलस के अनुसार भारत की 197 भाषाएं अभी खतरे में हैं। जो मैं कह रहा हूं कि भारत में करीब 800 जिंदा भाषाएं हैं और इन 800 जिंदा भाषाओं में से 100-150 भाषाओं के पास लिपियां भी हैं, तो भारत की 197 भाषाएं खतरे में हैं। यानी आप देखिए कि जो भाषा ट्रस्ट का अध्ययन है वो पिछले 5 दशकों की कहानी कहता है और यूनेस्को का इंटरेक्टिव एटलस अगले 5 दशकों की कहानी कहता है। ये 197 भाषाएं आगे 5 दशक या इससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगी, उससे पहले खत्म हो जाएंगी। यूनेस्को के भाषा विज्ञानियों ने खतरे वाली भाषाओं को 5 अलग-अलग श्रेणियों में बांटा है, यानी कोई कम खतरे में है, कोई ज़्यादा खतरे में है, कोई बहुत ज़्यादा खतरे में है और कोई हाल ही में विलुप्त हो चुकी है। अब आप कहेंगे कि यूनेस्को को कैसे पता चला कि फला भाषा खतरे में है या नहीं, इसको लेकर बाकायदा भाषा विज्ञानियों के अध्ययन किए गए हैं। उन अध्ययनों के आधार पर भाषाओं की ये श्रेणियां बनाई गई है। अब वो अध्ययन किस प्रकार से होते हैं कि कोई भाषा, मान लीजिए उसमें कुछ कारक निर्धारित किए कि जिसके आधार पर हम पता लगा सकें कि कोई भाषा खतरे में है कि नहीं। अब जैसे एक कारक है कि भाई कोई भाषा पिछली पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जा पा रही है या नहीं। अब एक
निर्धारक तत्व हो गया ये, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि भाषा खतरे में आएगी कि नहीं। अगर मान लीजिए मेरे माँ बाप एक भाषा बोलते थे, मैं उस भाषा को थोड़ा जानता हूँ, मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं जानते, तो इसका मतलब वो भाषा खतरे में जा रही है, एक तत्व हुआ ये। इसी प्रकार से जैसे एक तत्व हुआ कि उस संबंधित भाषा को बोलने वाले समुदाय की, जिस इलाके का में वो समुदाय है, उस भाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी है, यानी वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। माफ कीजिएगा, अगर किसी भाषा को बोलने वाले अल्पसंख्यक है, बहुत थोड़े लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो नीति निर्माण में शामिल नहीं हो पाएंगे और धीरे धीरे उनकी भाषा विलुप्त हो जाएगी, खतरे में चली जाएगी। तो एक दूसरा तत्व हमने बताया भाषा को निर्धारित करने का, भाषा खतरे में है या नहीं, कि उस भाषा को बोलने वाले लोग उस इलाके में जहाँ पर वो रहते हैं वो अल्पसंख्यक है या बहुसंख्यक है। फिर एक तत्व है कि उस भाषा में शिक्षण की पद्धति मौजूद है या नहीं, उसको शिक्षा का माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है या नहीं। आप देखेंगे कि जिसको हम हिंदी बेल्ट कह रहे हैं, इसी बेल्ट में कम से कम 50-60 से ज़्यादा भाषाएं हैं, और उनमें से कई भाषाएं ऐसी भी हैं जो भारतीय आर्य भाषा परिवार के, इसको भारोपीय परिवार आप कह रहे हैं, उसकी एक शाखा जो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं भी नहीं हैं, लेकिन वो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम नहीं है, क्योंकि नीतियाँ ऐसी निर्मित की जाती है कि सरकार ये चाहती है कि लोग, एक जो सरकार जिस भाषा का समर्थन करती है उस भाषा को सीखे तो उसी को प्रमोट करती है। आपने देखा होगा मनमोहन सरकार के वक्त, यूपीए सरकार के वक्त एक ज्ञान आयोग बना था जिसके अध्यक्ष थे सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा ने सिफारिश की, ज्ञान आयोग कहेंगे या अज्ञान आयोग आप खुद तय कर लीजिए, सैम पित्रोदा की सिफारिश थी कि सभी बच्चों को जो प्राथमिक शिक्षा है वो अंग्रेजी माध्यम में दी जानी चाहिए, और उनका मूल्यांकन उनके विषय ज्ञान के आधार पर नहीं, उनके भाषा ज्ञान के आधार पर, यानी वो अंग्रेजी कैसी जानते हैं इस आधार पर उनका मूल्यांकन होना चाहिए। अब सोचिए कि इस सिफारिश को जब लागू किया गया जितना भी थोड़ा बहुत जिस रूप में, तो इसके परिणाम क्या हुए होंगे, जबकि दुनिया भर के शिक्षा शास्त्री बताते हैं, भाषा विज्ञानी बताते हैं कि एक, मनोविज्ञानी बताते हैं कि एक बच्चे को शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम उसकी मातृभाषा है। लेकिन हो क्या रहा है कि इंग्लिश मीडियम करने की, अंग्रेजी माध्यम करने की एक होड़ मची हुई है, पहले प्राइवेट स्कूलों में थी, अब तो सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इंट्रोड्यूस करने की एक होड़ है, जल्दी से बच्चे को अंग्रेजी में दीक्षित कर दे, ऐसी होड़ चल पड़ी है। और सिर्फ अंग्रेजी खतरनाक नहीं है इस मातृभाषा वाले सवाल पर, बल्कि हिंदी भी खतरनाक है। जैसे एक रिसर्चर ने अपना एक अनुभव सुनाया कि वो किसी मुंडा इलाके में गया, मुंडा एक समुदाय है झारखंड में, उनकी भाषा मुंडारी है, और वहाँ पर वो अपने रिसर्च के सिलसिले में गया, तो उसने सोचा कि देखिए आप जानते होंगे गाँव में सूचना प्राप्त करने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स होते हैं या तो सरपंच वगैरह, बड़े बुजुर्ग लोग या टीचर लोग, अध्यापक लोग, क्योंकि अध्यापक बाहर से आते हैं और उस गांव के बारे में एक निष्पक्ष सा नज़रिया विकसित करते हैं, बहुत सारे लोगों को जानते हैं, और गांव के बारे में बुनियादी बातें सभी अध्यापक जानते हैं, जनगणना का काम हो, पल्स पोलियो की खुराक पिलानी हो, कोई और अभियान चलाना हो, तो अध्यापक उस चीज़ को बेहतर ढंग से जानते हैं। उन अध्यापक के पास गया वो रिसर्चर और उसने पूछा कि भाई अब मैं कुछ रिसर्च के सिलसिले में आया हूँ मुंडाओं के बारे में, आप मेरी थोड़ी मदद करिए और मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मदद चाहिए आपके माध्यम से। तो उसने कहा मैं तो मुंडारी नहीं जानता। तो रिसर्चर ने कहा कि ऐसा करिए आप अपने स्टूडेंट्स की मदद लीजिए, ये स्टूडेंट तो इनसे आप मुंडारी में पूछ लीजिए और मुझे आप हिंदी में बता दीजिए। तो पता चला कि जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, वो हिंदी नहीं जानते और अध्यापक जी मुंडारी नहीं जानते और वो उनको पढ़ाते हैं। अब वो क्या पढ़ाते होंगे आप कल्पना करिए। तो मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है, संबंधित भाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था है या नहीं है, इससे उस भाषा के भविष्य पर प्रभाव पड़ता है कि वो सुरक्षित रहेगी या खतरे में जाएगी। तो यूनेस्को के भाषा विज्ञानों ने एक आधार ये बनाया।
एक अन्य आधार कि उस भाषा में ज्ञान सामग्री उपलब्ध है या नहीं। ज्ञान सामग्री, आप उस ज्ञान सामग्री में मौखिक परंपरा में जो सारा ज्ञान है उसको तो बहुत सारे लोग ज्ञान ही नहीं मानते। तो जो लिखित रूप में ज्ञान उपलब्ध है या नहीं, उस ज्ञान सामग्री के आधार पर अध्ययन करते हैं कि अच्छा उसमें ये जो बड़े बड़े अनुशासन हैं आपके जिनको आप पढ़ते हैं, कोई हिंदी पढ़ता है, कोई राजनीति विज्ञान, कोई जीव विज्ञान, तो कोई भौतिकी पढ़ता है, इन सब अनुशासनों को अव्यक्त करने की क्षमता है या नहीं, तो इसके आधार पर भी निर्धारित होगा कि वो भाषा सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। उस भाषा का अपना मीडिया है या नहीं, उसमें जनसंचार माध्यम है या नहीं, इससे भी उस भाषा के भविष्य के बारे में पता चलेगा कि वो भाषा सर्वाइव कर पाएगी या खतरे में जाएगी। इस प्रकार से आप देखें कि इन सब आधारों को ध्यान में रख करके भाषा विज्ञानी भाषाओं का अध्ययन करते हैं और फिर उसके बोलने वालों की संख्या कितनी है उसके आधार पर वो ये निष्कर्ष देते हैं कि ये भाषा खतरे में है या नहीं है। भाषाओं को खतरे से निकाला भी जा सकता है अगर किसी भाषा को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, अगर किसी भाषा को उस भाषा के बोलने वाले लोग बचाना चाहे तो उस भाषा को निश्चित तौर पर एक संरक्षण प्राप्त होता है और भाषा पुनर्जीवित हो जाती है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे जोर देकर ये बात कहना चाहता हूँ, जब भी आप भाषा के सवाल पर बात करें तो इसको, भाषा के सवाल को समझने का अपना दृष्टि बिंदु यानी पॉइंट ऑफ व्यू सही रखें तो आप सही निष्कर्षों तक पहुंच सकेंगे। भाषा पर जो हमारे पूर्वाग्रह, हम हिंदी से प्यार करते हैं या हम अंग्रेजी से प्यार करते हैं, उस प्यार करने से कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी भाषाएं सीखें उतना अच्छा है, लेकिन अपने मन में इस बात को स्पष्ट रखिए कि आदमी की सबसे बेहतरीन, व्यक्ति की सबसे बेहतरीन अभिव्यक्ति उसकी मातृभाषा में होती है। किसी की प्राथमिक शिक्षा का सबसे बेहतरीन माध्यम उसकी मातृभाषा है, इसलिए मातृभाषाओं को बचाने की बात जरूर होनी चाहिए। इस मामले में मैंने देखा, मैं संयोग से सिलचर गया हुआ था, असम में एक सिलचर नाम की जगह है, वहाँ पर देखा कि मई का महीना था, शायद 19 मई था, 19 मई को सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर दिए जला रखे थे। मैंने पूछा भाई दिए क्यों जला रखे, और जहाँ पर मैं ठहरा हुआ था उसके सामने एक बड़ा सा पार्क था, उसमें बीच में एक काफ़ी सुंदर सा पंडाल बनाया हुआ था, सजा रखा था पूरे रास्ते को। तो उन्होंने कहा कि आज भाषा शहीद दिवस है। भाषा शहीद दिवस यानी वहाँ पर जो बंगाली लोग रहते थे और उनके ऊपर असमी थोपने के विरोध में उन्होंने अपनी बंगाली के संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया, उसमें जो लोग शहीद हुए, सिलचर के रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग शहीद हुए, उन शहीदों की याद में भाषा शहीद दिवस मनाया जाता है। और भाषा शहीद दिवस कितना, मतलब एक दिलचस्प आइडिया है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का संबंध भी बांग्लादेश से है, जो हमारे एक पड़ोसी मुल्क है, एक मित्र मुल्क है उससे, लेकिन भाषा के इन सब संदर्भों को छोड़ करके हम सिर्फ ये रोना रोते रहें कि अरे हिंदी खतरे में है, हिंदी खतरे में है, अंग्रेजी से बचाओ। देखिए, कोई भी भाषा अगर खतरे में आती है तो उसके कुछ सांस्कृतिक कारण होते हैं और कुछ राजनीतिक कारण होते हैं, तो उन राजनीतिक कारणों को आप समझिए और डिसीजन मेकिंग में विलाप करने से कुछ नहीं होगा, अपनी भाषा को डिसीजन मेकिंग में लेकर के आइए, दूसरी भाषाओं के प्रति भी एक संवेदनशीलता विकसित करिए, क्योंकि भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना उस समुदाय के प्रति भी संवेदनशीलता विकसित करना है जिस भाषा का वो व्यवहार करता है। अब कोई भाषा के बारे में कहे कि अरे ये तो वर्चस्व की भाषा है, ये सामंती भाषा है, ये उदार भाषा है, ये भाषा के बारे में हमारी राय कैसे बनती है, ये भाषा के बारे में हमारी राय इस आधार पर बनती है कि उस भाषा का व्यवहार करने वाला समुदाय कैसा है, उसी के आधार पर कोई भाषा सामंती होती है या कोई उदार भाषा होती है। जैसे हमारे जो आदिवासी भाषाओं पर लोग काम करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि कई सारी आदिवासी भाषाओं में चोरी, डकैती, लूट वगैरह के लिए कोई शब्द ही नहीं है, यानी यहाँ इन चीज़ों की वहाँ पर कोई कभी परंपरा ही नहीं रही, उनकी संस्कृति का कोई हिस्सा ही नहीं रहा। इसलिए बहुत सारी शब्दावली ऐसी विकसित होती है जो भाषा के साथ जुड़ी हुई संस्कृति है उसके साथ विकसित होती है, और जो भाषाएं खतरे में चली जा रही हैं उन समुदायों को आप चिन्हित करिए तो वो समुदाय भी खतरे में चले जा रहे हैं। उदाहरण के लिए जारवा भाषा, ओंगे भाषा, जो अंडमान के भाषाएँ हैं
उन भाषाओं को देखिए, पूर्वोत्तर के कई समुदायों की भाषा, झारखंड के बिरहोरों की भाषा, बिरहोरी जो भाषा है, जो समुदाय स्वयं खतरे में है, जिनका अस्तित्व खतरे में है, उनकी भाषा भी खतरे में है। तो हमको, अगर हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो लोकतंत्र की एक मूलभूत विशेषता है उसका समावेशी होना। तो अगर हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं तो हमें इसको समावेशी बनाए रखना होगा, और इसको समावेशी बनाए रखने का तरीका है कि हर समुदाय के प्रति और उस समुदाय से जुड़ी हुई हर चीज़ के प्रति एक संवेदनशील नज़रिया विकसित करें। इसी कड़ी में हम भाषाओं के प्रति भी संवेदनशील नज़रिया विकसित करें, ये एक अहम ज़रूरत है। मेरे एक मित्र ने सवाल पूछा, जितेंद्र बिसारिया ने शुरू में, कि आदिवासी भाषाओं के बारे में भी कुछ बात रखिएगा, क्योंकि शबनम हाशमी जी का मैसेज आ गया है कि 6 बजे दूसरा लाइव होगा, तो अनहद पर, तो मैं उससे पहले अपनी बात खत्म कर दूंगा, आखिर में आदिवासी भाषाओं पर संक्षेप में अपनी बात रखूंगा। ये भाषाओं के प्रति संवेदनशीलता की मैं बात कर रहा हूँ, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो डिबेट मुझे याद आ रही है जिसमें जयपाल सिंह मुंडा शेड्यूल 7A में, जिसको आज हम 8वीं अनुसूची कह रहे हैं, उस वक्त जो डिबेट चल रही थी तो शेड्यूल 7A उसको कह रहे थे, उसमें शेड्यूल 7A में 3 आदिवासी भाषाओं को शामिल कराना चाहते थे जयपाल सिंह मुंडा, जो कि एक मशहूर आदिवासी विचारक हैं, संविधान सभा के सदस्य थे। जब मैंने हिंदी की किताबों को खंगालना शुरू किया, लोकसभा के आर्काइव में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स के हिंदी अनुवाद खंगालने शुरू किए, तो उन 3 भाषाओं के बारे में मैं पढ़ना चाहता था कि क्या जयपाल सिंह मुंडा ने क्या कहा। तो वहाँ पढ़ते हुए पता चला कि अनुवादक ने लिखा है, महोदय मैं आपके समक्ष इन 3 आदिवासी भाषाओं को प्रस्तावित करना चाहता हूँ। उसमें लिखा मुंदरी, गोंदी, ओराव। मैंने सोचा मुंदरी कौन सी भाषा है भाई, तो अनुवादक इतना अचेत है कि उसको ये भी ज्ञात नहीं कि मुंडा इस देश का बहुत बड़ा समुदाय है और उनकी भाषा का नाम मुंडारी है। अंग्रेजी के लिखने वाले ने ठीक लिखा मुंडारी, हिंदी के वाले ने लिखा, जो आप बिमलेश कांति वर्मा की किताब में भी आपको मिल जाएगा, मुंदरी। इसी प्रकार गोंड, जो भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है, गोंड, उनकी भाषा है गोंडी, उसका हिंदी अनुवाद हिंदी तर्जुमे में लिखा हुआ गोंदी। ओराव जो कुड़ुक भाषा है उसके बारे में इसी प्रकार से, यानी भाषाओं को लेकर हम कितने कम संवेदनशील है। 8वीं अनुसूची में संथाली शामिल है, बोडो शामिल है, लेकिन बहुत सारी आदिवासी भाषाएं संघर्ष कर रही हैं और आदिवासी अपनी भाषाओं को लेकर काफ़ी सजग है। मैं जब जब रांची जाता हूं तो देखता हूं कि आदिवासी भाषाओं में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, आदिवासी भाषाओं की किताबें वहां पर लगातार छप रही है, उनका लोकार्पण होता है। और मित्रों, आदिवासियों की एक बहुत बड़ी दुनिया है, उस दुनिया से अगर आपको संवाद करना है तो उसका सबसे सशक्त माध्यम आदिवासी साहित्य है। आदिवासी साहित्य से संवाद करें, और आदिवासी साहित्य संवाद के लिए आदिवासी भाषाओं से भी दोस्ती करनी पड़ेगी, कम से कम उनके प्रति संवेदनशील होना होगा। इस प्रकार मैं अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूंगा कि हमको भाषाओं के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि भाषाओं के प्रति संवेदनशील होना, उन भाषाओं को बोलने वालों के प्रति भी संवेदनशील होना है, जो कि हमारे समावेशी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ये बहुभाषिता, ये बहुसांस्कृतिकता हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसको बचाएं, इसके आधार पर भेदभाव ना करें, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं, जो हमारी विविधता है इस विविधता को कभी सेलिब्रेट नहीं करते, इसके आधार पर भेदभाव करते हैं, कभी भाषा के आधार पर, कभी जाति के आधार पर, कभी किसी के रंग के आधार पर, कभी किसी के क्षेत्र के आधार पर। ये हमारी विविधताएँ, हमारी खूबसूरती हैं, जो दुनिया में हमारी पहचान बनाती है, हमारे जीवन को उल्लासपूर्ण बनाती है। इन खूबसूरत चीज़ों को संजो करके रखिए आने वाली पीढ़ियों के लिए और इस लोकतंत्र के सुनहरे भविष्य के लिए। आप सब लोगों ने मुझे सुना, अनहद ने मुझे यहाँ पर ये आयोजन के लिए मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।